तो आप इसको 8+2 स्पीड के साथ में भी ले सकते हैं, T20 गियरबॉक्स के साथ में ले सकते हैं। अरे वाह यार, क्या धाकड़ आवाज़ है इस ट्रैक्टर की। फार्म ट्रैक की आवाज़ मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, काफ़ी सुंदर और सॉलिड आवाज़ है इसकी। इसकी ज़्यादा मार्केट होने का कारण भी कुछ यही है, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी आवाज़ और लुक्स तीनों ही ज़बरदस्त है। इसके अंदर डीजल फिल्टर का तो काम करता ही है, साथ में वाटर सेपरेटर का भी यह काम करता है। इसके अंदर पानी बन जाता है तो इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, एक सबसे बड़ी खूबी इस ट्रैक्टर की केयर बटन की, जो कि किसी भी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में नहीं दिया जाता है। फार्म ट्रैक अपने ट्रैक्टरों के अंदर एक केयर बटन की सुविधा। हेलो नमस्कार किसान भाइयों, और राम राम, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फार्म ट्रैक की तरफ से आने वाले सबसे दमदार और सबसे लोकप्रिय मॉडल फार्म ट्रैक 45 का। किसान साथियों, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह ट्रैक्टर 40 से 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी के बीच का ट्रैक्टर है। और भारत के अंदर 40 से 50 हॉर्स पावर की जो कैटेगरी है, इसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बिकते हैं। और फार्म ट्रैक की तरफ से आने वाला फार्म ट्रैक 45 है, जो 48 से 50 हॉर्स पावर कैटेगरी का ट्रैक्टर है और भारत के अंदर फार्म ट्रैक की तरफ से सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक है। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको इतने ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं क्योंकि किसान भाई इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी लुक से ब्रांडिंग, आवाज और इसकी परफॉर्मेंस के दीवाने हैं किसान भाई। और इसको जो किसान भाई फार्म ट्रैक 45 एक बार चला लेते हैं, वो दूसरा ट्रैक्टर नहीं लेके आते हैं, चाहे वह दूसरे कंपनी का हो या फार्म ट्रैक का दूसरा मॉडल हो। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, चाहे आप रियर एक्सल की बात करें, गियरबॉक्स की बात करें, मैनुअल स्टेयरिंग, पावर स्टेयरिंग, आप जो चाहें वही ऑप्शन आपको देखने को इसके अंदर मिलते हैं। किसान भाइयों की जरूरत और पसंद के हिसाब से कंपनी इसके अंदर समय समय पर चेंज करती रहती है। जो 2024 के अंदर भी कंपनी ने बड़ा बदलाव इस ट्रैक्टर के अंदर कर दिया है। जो किसान भाई T20 गियरबॉक्स चाहते थे कि फार्म ट्रैक 45 में आए, भाइयों फार्म ट्रैक 45 की जगह फार्म ट्रैक 60 किसान भाई इसलिए लेते थे कि उसके अंदर T20 गियरबॉक्स आता था, लेकिन कंपनी ने किसान भाइयों को फार्म ट्रैक 45 के अंदर ही अब T20 गियरबॉक्स प्रोवाइड करवा दिया है किसान भाइयों की सुविधा के लिए, उनकी पसंद को देखते हुए, उनकी जरूरत को देखते हुए। तो अब फार्म ट्रैक 45 में भी आपको T20 गियरबॉक्स देखने को मिलता है। किन किन ऑप्शन के साथ में ट्रैक्टर आता है, किन किन मॉडलों में इनके डिफरेंस है, सभी प्रकार की जानकारी आपको देने वाले हैं, और कौन सा मॉडल किस प्राइस में आपको मिलेगा, और 2024 के अंदर इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने क्या क्या बदलाव कर दिए हैं, और किस प्राइस पर यह ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी बारीकी से आपको इस ट्रैक्टर के बारे में देने वाले हैं। जो किसान भाई फार्म ट्रैक ट्रैक्टर पहली बार लेने की सोच रहे हैं या फार्म ट्रैक 45 को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपना 45 बेच के दूसरा फार्म ट्रैक लेना चाहते हैं, उनके लिए यह ट्रैक्टर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और उनके लिए यह जानकारी बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए आज के रिव्यू को करते हैं शुरू। फार्म ट्रैक 45 EPI। भाइयों, यह जो मॉडल है यह फार्म ट्रैक 45 EPI पावर मैक्स मॉडल है। इसके अंदर सुपर मैक्स मॉडल भी आता है और इसके अंदर एक सुपर स्मार्ट मॉडल भी आता है। तीनों मॉडलों के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं, लेकिन जो अभी हमारे पास जो मॉडल है वो पावर मैक्स मॉडल है। और फार्म ट्रैक के अंदर कौन कौन सी अलग अलग चीजें उन मॉडलों के अंदर आती है वो हम वीडियो के बीच में बताएंगे। सबसे पहले बात करें फार्म ट्रैक 45 पावर मैक्स की, तो अगर हम बात करें इसके ब्रांडिंग और कलर कॉम्बिनेशन की, तो यह ट्रैक्टर आपको विंटेज क्लासिक लुक में देखने को मिलता है, जो किसान भाइयों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। यह बॉडी शेप और कलर कॉम्बिनेशन आपको यह ब्लू व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन के साथ में देखने को मिलता है। पूरे जो आगे का हिस्सा है यह ब्लू कलर का है, आप देखेंगे डार्क ब्लू कलर किया हुआ है इसके ऊपर, जो कि किसान भाइयों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और इसके अंदर कलर क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर मेटेलिक पेंट प्रोवाइड करवाती है कंपनी, जो कि सालों साल खराब नहीं होता। पुराने जो फार्म ट्रैक के मॉडल थे उनके अंदर कलर क्वालिटी में थोड़ी गड़बड़ थी, क्योंकि जो पुराने मॉडल थे उनमें कलर खराब हो जाता था, लेकिन कंपनी ने सुधार करते हुए इसके अंदर बढ़िया मेटेलिक पेंट प्रोवाइड करवा दिया है। और अब यह पेंट है जो सालों साल तक चलेगा और बिना खराब हुए इसकी शाइनिंग भी बरकरार रहेगी। किसान भाइयों, ब्रांडिंग की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैक पट्टी के ऊपर जो लेटेस्ट नई ब्रांडिंग आ रही है फार्म ट्रैक पे, यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर 45 लिखा हुआ है। इसके जस्ट ही आप देखें यहाँ पर EPI लिखा हुआ है, क्योंकि यह ट्रैक्टर EP साइकिल रिडक्शन के साथ में देखने को मिलता है। और आप देखेंगे यहाँ पर फार्म ट्रैक के जस्ट नीचे यहाँ पर पावर मैक्स की ब्रांडिंग कर रखी है नीचे की तरफ। किसान भाइयों, आगे की तरफ बात करें ट्रैक्टर के, तो जो अन्य मॉडलों में आता है वैसे ही आगे की तरफ 3D के अंदर फार्म ट्रैक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी काफी सुंदर तरीके से। और इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे पावर मैक्स लिखा हुआ है यहाँ पर रेड और सिल्वर कलर के अंदर। और नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर जो जाली लगी हुई है बड़ी और सुंदर तरीके से यहाँ पर बनाया गया इसका डिजाइन, और यहाँ पर देखिए क्रोम फिनिश इसके अंदर दी गई है, और 3D के अंदर यहाँ पर 45 लिखा हुआ है। काफी बड़ा हैवी ड्यूटी सुंदर बम्फर लगा के देती है कंपनी, आप देखेंगे 90 kg का हैवी ड्यूटी बम्फर लगा के देती है। यह बम्फर है जो ट्रैक्टर की सुंदरता तो बढ़ाता ही है, इसके साथ साथ में इसकी सुरक्षा भी करता है। आप देखेंगे इसके अंदर फार्म ट्रैक जितने भी अपने मॉडल है उनमें एक हिंच की सुविधा देती है आगे की तरफ। कई बार हमें ट्रैक्टर फंस जाता है या ट्रॉली वगैरह फंस जाती है तो हमें आगे से अटैच करना पड़ता है, उसके लिए पहले क्या करते थे और कहीं पर हम चैन वगैरह लगाते थे जिससे नुकसान होने का खतरा रहता था, लेकिन कंपनी ने किसान भाइयों की जरूरत को देखते हुए इसमें एक अच्छा काम किया है, अपने सभी मॉडलों के अंदर हिंच लगा के देती है।
किसान भाइयों, इसके अंदर हम लाइट की बात करें तो आप देखेंगे हेडलैम्प इसके अंदर DRL और हेलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिलेगा। आप DRL भी दिया गया, LED DRL और हेलोजन बल्ब के साथ में आपको बड़ी लाइटें दे रखी है सिल्वर और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन के साथ में, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और सुंदर दिखती है। सबसे पहले फार्म ट्रैक ने ही DRL हेडलैम्प यूज किए हैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर। किसान भाइयों, बात करें इसके फ्रंट एक्सल की तो आप देखेंगे इसके अंदर हैवी ड्यूटी एडजस्टेबल स्ट्रेट फ्रंट एक्सल दिया गया है किसान भाइयों की जरूरत को देखते हुए, क्योंकि 50 हॉर्सपावर का बड़ा ट्रैक्टर अगर किसान भाई लेते हैं तो वो चाहते हैं कि इसके अंदर सभी फीचर्स होने चाहिए। वही क्या है, इसके अंदर आधुनिक फ्रंट एक्सल लगा के दिया है एडजस्टेबल। किसान भाइयों, इसके अंदर पावर स्टेयरिंग की बात करें तो डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग दिया गया है, जो कि ट्रैक्टर श्रेणी के अंदर सबसे बढ़िया और आधुनिक माना जाता है। वही चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। आप देखेंगे डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग का दोनों टायरों पर बराबर संतुलन बना रहता है, और आप देखेंगे इसका जो ऑयल है वो सेपरेट रखा गया है, वो हम बोनट खोल के आपको दिखाएंगे बाद में। किसान भाइयों, आपको फार्म ट्रैक 45 के अंदर आप देखेंगे सिंगल पीस बोनट देखने को मिलता है, वो मेटेलिक बॉडी इसके अंदर यूज की गई है। और इसको खोलने के लिए आप देखेंगे लाइट के जस्ट पीछे राइट साइड के अंदर यहाँ पर एक बटन दे रखा है, जैसे हम इसको दबाते हैं, इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, वैसे ही नॉर्मल आप देखेंगे सिंगल पीस बोनट ऊपर की तरफ चला जाता है। डबल जैक इसके अंदर दिए गए हैं, आप देखेंगे हाइड्रोलिक जैक इसके अंदर यूज किए गए हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटी और मजबूत और आसानी से ये बोनट है जो ऊपर की तरफ चला जाता है। किसान भाइयों, बात करें इसके अंदर एयर फिल्टर की तो इसके अंदर ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर यूज किया गया है, और सामने की तरफ आपको हॉर्न देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसके रेडिएटर की तो इसके अंदर हैवी ड्यूटी एल्यूमिनियम का रेडिएटर देखने को मिलता है, कूलेंट कूल्ड विद रिजर्व ऑयल के साथ में, और रिजर्व कूलेंट डालने के लिए आप देखेंगे सेपरेट टैंक दिया गया है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया पावर स्टेयरिंग डबल एक्टिंग दिया गया है, और पावर स्टेयरिंग को मेंटेनेंस फ्री और लॉन्ग लाइफ रखने के लिए इसके अंदर पावर स्टेयरिंग का ऑयल सेपरेट रखा गया है। इसका टैंक आप देखेंगे यहाँ पर बना हुआ है मेटल से। किसान भाइयों, लेफ्ट साइड में साइलेंसर के जस्ट पास में यहाँ पर आप देखेंगे 12 वाट 36 एम्पीयर का अल्टरनेटर देखने को मिलेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए, और इसके जस्ट नीचे ही आप देखेंगे यहाँ पर दो टेंडन पंप दिए गए हैं, एक हाइड्रोलिक का पंप है, दूसरा पावर स्टेयरिंग का पंप है, और हाइड्रोलिक का फिल्टर आप देखेंगे इसके जस्ट नीचे यहाँ पर व्हाइट कलर के अंदर हैवी ड्यूटी और बड़ा दिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे साइड के अंदर यहाँ पर इंजन ऑयल फिल्टर देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इसके अंदर पंप की बात करें तो बोस कंपनी का इनलाइन पंप यूज किया गया है सिंगल डीजल फिल्टर के साथ में, और आप देखेंगे इसको पहले डबल डीजल फिल्टर के साथ में दिया जाता था, लेकिन अब इसके अंदर सिंगल डीजल फिल्टर दिया गया है हैवी ड्यूटी। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, इसके अंदर डीजल फिल्टर का तो काम करता ही है, साथ में वाटर सेपरेटर का भी यह काम करता है। इसके अंदर पानी बन जाता है तो इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं, वाटर सेपरेटर की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी किसान भाइयों की मांग को देखते हुए इसके अंदर वाटर सेपरेटर की सुविधा इसके अंदर दे रखी है। लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे फार्म ट्रैक ने हॉलैंड की तरह फिल्टर यूज किया गया है, इसके खोल के हम जिसके अंदर पानी बन जाता है तो इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, आप देखेंगे वाटर सेपरेटर के जस्ट नीचे यहाँ पर ट्रैक्टर स्टार्टर लगा हुआ है 12 वाट का, और इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर बैटरी बॉक्स दिया गया है। बैटरी आगे की तरफ नहीं देती है फार्म ट्रैक, जितने भी मॉडल है अपने उनमें बैटरी बॉक्स है जो साइड के अंदर दिया जाता है। किसान भाइयों, एक सबसे बड़ी खूबी इस ट्रैक्टर की केयर बटन की, जो कि किसी भी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में नहीं दिया जाता है। फार्म ट्रैक अपने ट्रैक्टरों के अंदर एक केयर बटन की सुविधा देती है, जो कि आगे की तरफ आप देखेंगे मेंशन भी किया हुआ है, केयर 24x7 यानी 24 घंटे सातों दिन यह काम करता है। केयर बटन आप देखेंगे यहाँ पर लगा हुआ है, इसको अगर हम 5 सेकंड तक दबा के रखेंगे, कई बार हमारा ट्रैक्टर कोई दिक्कत आ जाती है, खराबी आ जाती है ट्रैक्टर के अंदर, खेत में रुक जाता है या रोड पर रुक जाता है, तो सीधा ही हम टेक्नीशियन से बात कर सकते हैं कंपनी के, और जो भी खामी इसके अंदर होती है वो हम निकाल सकते हैं। और आप देखिए मोबाइल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, 5 सेकंड आपको दबा के रखना है और सीधा ही हमें टेक्नीशियन से बात हो जाएगी। 24x7 यानी 24 घंटे सातों दिन इसके अंदर यह सुविधा रहती है, जो कि एक अच्छा फीचर दिया है फार्म ट्रैक ने अपनी सभी ट्रैक्टरों के अंदर। किसान भाइयों, बात करते हैं अब इसके इंजन की। इंजन में बड़ा सुधार कर दिया है, पहले इसके अंदर 48 हॉर्सपावर का इंजन आता था, लेकिन अब इसको अपग्रेड करते हुए 2024 के अंदर आपको यह इंजन मिलेगा 50 हॉर्सपावर का। यह इंजन आपको देखने को मिलता है 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक वाटर कूल्ड नेचुरली स्प्रेटेड डीजल इंजन 3410 cc का, और यह इंजन निकाल के देता है आपको 208 Nm का टॉर्क 2200 इंजन रेटेड RPM के साथ में। किसान भाइयों, यह इंजन जाना जाता है अपनी लॉन्ग लाइफ, कम मेंटेनेंस और अच्छी डीजल एवरेज के लिए। किसान भाई, फ्यूल टैंक की बात करें तो इसके अंदर 55 लीटर का फ्यूल टैंक दिया जाता है, और एक सुविधा और दी है कंपनी ने, इसके अंदर हम चाबी के द्वारा इसको लॉक लगा सकते हैं, जिससे डीजल चोरी होने की संभावना न रहे। किसान भाइयों, साइलेंसर इसके अंदर बॉडी पार्ट से बाहर की तरफ देखने को मिलता है, और आप देखेंगे काफ़ी स्टाइलिश साइलेंसर इसके अंदर दिया गया है, और फार्म ट्रैक की आवाज़ के तो किसान भाई दीवाने हैं, काफ़ी सुंदर और धाकड़ आवाज़ निकालता है यह ट्रैक्टर। और आप देखेंगे किसान भाइयों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक हिटिंग गार्ड भी लगाया गया है। किसान भाई, ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर सिंगल फुट स्टेप देखने को मिलता है, और फ्लैट प्लेटफॉर्म इसके अंदर दिया जाता है साइड शिफ्ट गेयरबॉक्स के साथ में। और आप देखेंगे इसके अंदर जो इंडिकेटर है वो काफ़ी स्टाइलिश और LED दिए गए हैं, सबसे स्टाइलिश और LED इंडिकेटर फार्म ट्रैक प्रोवाइड करवाती है अपने ट्रैक्टरों के अंदर, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। किसान भाइयों, फार्म ट्रैक 45 के जितने भी मॉडल है उसके अंदर सभी में ड्यूअल क्लच ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्लच के अंदर ही दूसरा क्लच।
सान भाइयों, सिंगल फुट स्टेप की सुविधा से आसानी से ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ा जा सकता है और आप देखेंगे काफी खुला डुल्ला प्लेटफॉर्म इसके अंदर दिया जाता है। किसान भाइयों, जितने भी कंट्रोल्स हैं सभी तक किसान भाइयों के हाथ पहुंचते हैं आसानी से। आप देखेंगे चाहे हाइड्रोलिक हो गए, चाहे गियर लीवर हो गए, चाहे हैंडरेस हो गया, चाहे स्टेयरिंग हो गया, सभी तक आसानी से हाथ पहुंचता है और काफी स्टाइलिश से इसको बनाया गया है ट्रैक्टर को। इसके अंदर सीट की बात करें तो काफ़ी बड़ी और डीलक्स आरामदायक सीट दी गई है। अगर किसान भाई लंबे समय तक काम करते हैं तो थकावट नहीं होती, इसको हम आगे पीछे और किसान भाई अपने वजन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया है, थोड़ा सुंदर तरीके से बना दिया गया। यह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में देखने को मिलता है। बीच में आपको मिलेगा आरपीएम मीटर और नीचे की तरफ कितने घंटे ट्रैक्टर चला है वो चीज़ मेंशन कर रखी है। साइड में आपको देखने को मिलेगा फ्यूल गेज मीटर और दूसरी साइड में आपको ट्रैक्टर के टेम्परेचर मीटर देखने को मिलता है और जरूरी सूचना जो कि लाइट्स की है, इंडिकेटर की है, वो चीज़ें भी यहाँ पर इसके ऊपर मेंशन कर रखी है। काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव बनाया गया है और फार्म ट्रैक अपनी सभी ट्रैक्टरों के ऊपर अपने जितने भी इंप्लीमेंट्स चलाते हैं हम ट्रैक्टर के उनकी स्पीड और गियर को मेंशन कर रखा है यहाँ पर। किसान भाई, यो ड्राइवर का व्यू कुछ इस प्रकार है सामने की तरफ और आप देखेंगे काफ़ी स्टाइलिश और सुंदर इसके अंदर स्टेयरिंग देखने को मिलता है। इसकी ग्रिप काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्टाइलिश और सुंदर इसका स्टेयरिंग बनाया गया है कंपनी के द्वारा। और आप देखेंगे राइट साइड के अंदर यहाँ पर हैंडरेस्ट देखने को मिलेगा, पार्किंग लाइट और इंडिकेटर लाइट के लिए यहाँ पर स्विच देखने को मिलता है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर की पॉइंट देखने को मिलता है ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए और ट्रैक्टर को बंद करने के लिए जस्ट इसके नीचे यहाँ पर लीवर दे रखा है और यहाँ पर हम लाइट्स के कंट्रोल कर सकते हैं, हेडलाइट को लो बीम, हाई बीम और DRL ऑन करने के लिए। दूसरी साइड में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हॉर्न की सुविधा देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ यहाँ पर लाइट को ऑन करने के लिए और नीचे इसके 12 वाट का सॉकेट दे रखा है। छोटी सी कमी इसके अंदर रख दी गई है कंपनी के द्वारा। आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी टूल्स वगैरह कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती किसान भाइयों को मोबाइल वगैरह रखने के लिए। यह सुविधा करनी चाहिए कंपनी को, यह सुधार करना चाहिए। किसान भाइयों, पावर मैक्स का यह मॉडल आप देखेंगे 8+2 गियर स्पीड के साथ में आता है, 8 गियर स्पीड आगे के लिए और 2 स्पीड पीछे के लिए। राइट साइड में जो लीवर है इस पर 1, 2, 3, 4 और रिवर्स लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में जो लीवर है इस पर आप देखेंगे लो हाई लिखा हुआ है। और साइड शिफ्ट गियर बॉक्स फुल्ली कॉन्स्टेंट में गियर बॉक्स के साथ में आता है जो कि गियर शिफ्ट करते समय आवाज़ नहीं करता और मेंटेनेंस पर ही रहता है। किसान भाइयों, राइट साइड में आपको पोजीशन लीवर और ड्राफ्ट लीवर देखने को मिलता है और इसके पास में ही आप देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर लीवर दे रखा है क्योंकि यह ट्रैक्टर आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में देखने को मिलता है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें ब्रेक्स की तो इसके अंदर YB ब्रेक्स कंपनी प्रोवाइड करवाती है किसान भाइयों को अपने सभी मॉडलों के अंदर। तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक जो कि लगने में काफ़ी आसान है और ट्रैक्टर को रोकने में सक्षम है। नीचे की तरफ आप देखेंगे इसके पास में यहाँ पर फुटरेस्ट देखने को मिलती है और काफ़ी बड़ा और खुला प्लेटफॉर्म इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लॉक की सुविधा इसके अंदर दे रखी है और इसके पास में ही आप देखेंगे आगे की तरफ है पार्किंग ब्रेक्स की सुविधा भी इसके अंदर देखने को मिलती है। और आप देखेंगे सीट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर यह लीवर दे रखा है जिसको हम ऊपर करके सीट को आगे या पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे पीटीओ को इंगेज और डिसंगेज करने के लिए लीवर दे रखा है। किसान भाई, वो पावर मैक्स मॉडल के अंदर आपको बड़े टायर साइज देखने को मिलते हैं, आगे वाले 7x16 के टायर देखने को मिलते हैं व्हाइट कलर के रिम के साथ में और पीछे के टायर आपको देखने को मिलेंगे 14x28 के साइज में। और आप देखेंगे इसके रिम के ऊपर एक एडिशनल यहाँ पर फीचर दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ पर एक प्लेट के द्वारा इसको स्पोर्ट दी गई है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। इसके अंदर बात करें मडगार्ड की तो काफ़ी स्टाइलिश और सुंदर मडगार्ड दिए गए हैं, आप देखेंगे काफ़ी सुंदर मडगार्ड दिए गए हैं। थोड़ी सी गोलाकार डिज़ाइन इसके अंदर यूज किया गया है जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। जो लेटेस्ट अभी बनाए गए हैं वही मडगार्ड इसके अंदर यूज किए गए हैं। आप देखेंगे पीछे के इंडिकेटर और टेले भी आपको LED देखने को मिलते हैं, काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव डिज़ाइन इसका दिया गया है। 5 साल की वारंटी मिलती है, वही चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे मडगार्ड पर मेंशन कर रखी है। एक टूल बॉक्स दिया जाता है कंपनी के द्वारा ट्रैक्टर के अंदर लोहे से बना हुआ और इसके अंदर आप जब नया ट्रैक्टर लेते हैं तो टूल्स वगैरह कंपनी प्रोवाइड करवाती है। किसान भाइयों की सुरक्षा के लिए सीट के जस्ट पीछे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से हम सीट को ऊपर नीचे वजन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। वाटर बॉटल होल्डर की भी सुविधा इसके अंदर दी जाती है किसान भाइयों के लिए। नीचे की तरफ हम देखें यहाँ पर 12 वाट का सॉकेट दे रखा है ट्रॉली या थ्रेसर में लाइट ले जाने के लिए। और यह ट्रैक्टर आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में देखने को मिलता है और डबल QRC कपलर के साथ में आप देखेंगे ब्लू और रेड कलर के इसके अंदर कैप लगे हुए हैं। टिपिंग ट्रॉली, MB प्लाउ वगैरह अटैच कर सकते हैं। किसान भाई, हाइड्रोलिक की बात करें तो इसके अंदर ADDC टाइप की ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में 1800 kg यानी 18 क्विंटल की हैवी ड्यूटी लिफ्ट कंपनी देती है। 3 सेंसिंग पॉइंट इसके अंदर दिए गए हैं टॉप लिंक को अटैच करने के लिए, ऊपर वाले में हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी और भारी मिट्टी में। इस प्रकार हम इसे टॉप लिंक को एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी हैवी ड्यूटी और एडजस्टेबल हिंच इसके अंदर दिया जाता है। किसान भाई, लोअर लिंक की बात करें तो काफ़ी हैवी ड्यूटी और मजबूत लोअर लिंक दी जाती है सॉफ्ट सिस्टम के साथ में। फार्म ट्रैक अपने जितने भी मॉडल है छोटे से बड़ा सभी मॉडलों के अंदर सॉफ्ट सिस्टम कर दिया गया है। आप देखेंगे लोअर लिंक के संतुलन के लिए सॉफ्ट सिस्टम दिया जाता है, चेन सिस्टम को बंद कर दिया है जो कि काफ़ी सुंदर और बढ़िया बदलाव किया कंपनी ने। और यह ट्रैक्टर आपको EP साइकिल रिडक्शन के साथ में देखने को मिलता है, आप देख पा रहे होंगे पीछे की ट्यूब काफ़ी हैवी ड्यूटी बनाई गई है।
रात के अंदर काम करने के लिए हेलोजन बल्ब के साथ में बड़ी लाइट पीछे की तरफ दे रखी है, जिसको ऑन ऑफ करने के लिए पास में यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, और आप देखेंगे एक छोटी लाइट भी इसके पास में दे रखी है नंबर प्लेट लगाने के लिए, अच्छी सुविधा दी है कंपनी ने। किसान भाइयों बात करते हैं इसके पीटीओ पावर की, तो इसके अंदर 6 स्पलाइन वाली 43.3 हॉर्स पावर की दमदार पीटीओ पावर देखने को मिलती है, और इसके अंदर पीटीओ के सभी ऑप्शन ग्राउंड स्पीड पीटीओ और रिवर्स पीटीओ ऑप्शन के साथ में ये ट्रैक्टर दिया जाता है। और आप देखेंगे पीछे की शाफ्ट को यहाँ पर कवर कर रखा है धूल और मिट्टी से खराब न हो इसके लिए। किसान भाइयों जरूरी सूचना यहाँ पर दे रखी है पीटीओ से संबंधित, आप देख सकते हैं इसके अंदर मल्टी स्पीड पीटीओ, रिवर्स पीटीओ और लाइव पीटीओ ऑप्शन मिलते हैं। दूसरी साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है 50 हॉर्स पावर कैटेगरी, क्योंकि यह 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, वो चीज़ यहाँ पर मडगार्ड के ऊपर मेंशन कर रखी है। किसान भाइयों फार्म ट्रैक के 45 मॉडल में बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसके अंदर तीन मुख्य मॉडल आते हैं, जिसके अंदर पहला जो मॉडल है वो है फार्म ट्रैक 45 पावर मैक्स ईपी साइकिल एडिक्शन के साथ में, और अब इसको कर दिया है T20, तो आप इसको 8+2 स्पीड के साथ में भी ले सकते हैं, T20 गियरबॉक्स के साथ में ले सकते हैं। और दूसरा जो मॉडल आता है वो है सुपर मैक्स, जिसके अंदर आपको आगे के टायर मिलेंगे 650/16 के, और सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स के साथ में देखने को मिलता है 8+2 स्पीड के साथ में, और आपको पीछे का जो हिस्सा है वो ईपी साइकिल रिडक्शन उसमें नहीं दिया जाता है, बुल रिडक्शन के साथ में वो ट्रैक्टर आता है। लेकिन हॉर्स पावर की अगर बात करें तो वही सेम हॉर्स पावर जो इसके अंदर है वो ही उसके अंदर दिए गए हैं, 50 हॉर्स पावर का वो ट्रैक्टर है। जिन किसान भाइयों को सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स लेना है तो वो ऑप्शन ले सकते हैं, बाकी सभी जितने मॉडल हैं उसके अंदर आपको पावर स्टेयरिंग दिए जाते हैं, डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग सभी ट्रैक्टरों के अंदर दिए जाते हैं। और तीसरा जो मॉडल है वो है सुपर स्मार्ट के नाम से, जो कि 6/16 के आगे के टायर में आता है, बाकी सभी चीज़ें सेम है, आपको सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स के साथ में देखने को मिलता है, और पीछे का जो हिस्सा है वो ईपीआई नहीं मिलता है उसके अंदर, आपको बुल रिडक्शन दिया जाता है, स्ट्रेट रिडक्शन जिसे कहते हैं। बाकी आपको अगर ईपी साइकिल रिडक्शन लेना है, पावर स्टेयरिंग लेना है, साइड शिफ्ट गियरबॉक्स लेना है, 8+2 लेना है, तो आपको बड़ा जो मॉडल है उसके अंदर दिया जाता है। तीन मुख्य मॉडल हो गए, एक सुपर मैक्स जिसके अंदर आपको पावर स्टेयरिंग मिलेगा, सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स और बुल रिडक्शन के साथ में, और 650/16 के आगे के टायर में। और दूसरा जो मॉडल है वो है सुपर स्मार्ट, जिसके अंदर आपको 6/16 के आगे के टायर देखने को मिलेंगे, और बाकी सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स 8+2 के साथ में, और साथ में आपको बुल रिडक्शन के साथ में। और यह जो मॉडल है आपको टॉप मॉडल दिया जाता है फार्म ट्रैक 45 ईपी साइकिल रिडक्शन, जिसके अंदर आपको साइड शिफ्ट गियरबॉक्स देखने को मिलता है और T20 गियरबॉक्स देखने को मिलता है, 8+2 स्पीड और 20 गियर स्पीड। किसान भाइयों कैसा लगा आपको वीडियो, और कैसा लगा ये नया मॉडल फार्म ट्रैक 45 सीपीआई T20 गियरबॉक्स के साथ में, कमेंट करके जरूर बताएं। और जो किसान भाई 50 हॉर्स पावर कैटेगरी का ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं उनके लिए यह ट्रैक्टर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। किसान भाई बात करते हैं इसके सर्विस अंतराल कीमत और वारंटी की, तो तीनों ही ट्रैक्टर मॉडलों के ऊपर आपको सेम वारंटी सेम सर्विस अंतराल कीमत में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। किसान भाइयों इसके अंदर आपको मिलेगी 5 साल और 5000 घंटे की बड़ी वारंटी, और सर्विस अंतराल की बात करें तो काफ़ी बढ़िया सर्विस अंतराल इसके अंदर दिया जाता है। पहली सर्विस आपको 50 घंटे के अंतराल पर करवानी होगी, और बाकी जितनी भी सर्विस है 500 घंटों के लंबे अंतराल के बाद करवानी होती है, जिससे किसान भाइयों के जो सर्विस का खर्चा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, लगभग आधा हो जाता है। किसान भाइयों बात करते हैं अब इसके कीमत की, तो यह जो ट्रैक्टर है फार्म ट्रैक 45 ईपीआई 8+2 गियर स्पीड के साथ में आपको मिलेगा ऑन रोड राउतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर 7,75,000 रुपये विद एसेसरीज, आपको बम्पर हुड पीछे का हिंच टॉप लिंक और फट्टी लगा के दी जाती है। और बात करें दूसरा जो मॉडल है सुपर मैक्स, वह ट्रैक्टर आपको देखने को मिलता है 7,70,000 रुपये में, और जो तीसरा मॉडल है सुपर स्मार्ट मॉडल वह आपको देखने को मिलेगा 7,35,000 रुपये ऑन रोड। तो तीनों ट्रैक्टरों के प्राइस डिफरेंस आपको बता दिए गए हैं, अपनी जरूरत और पसंद को देखते हुए आप ट्रैक्टर ऑप्शन चुन सकते हैं, काफ़ी कुछ ऑप्शन इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। कोई भी सुझाव और प्रतिक्रिया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम सभी के कमेंट देखते हैं और उनका रिप्लाई करते हैं।
तो कैसा लगा आपको यह ट्रैक्टर, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसान भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सियाराम।